ऑफ अ सडन प्रॉबली इज नॉट द राइट आई मीन वर्ड. पता था कि फेवरेट्स हैं. दो पहले बुरे मैच हुए इनके अच्छी टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, एंड वी ऑलवेज न्यू इट्स अ क्लास, इट्स अ वेरी डेंजरस साइड, द मोस्ट एक्सपीरियंस टी20 साइड, एक्सप्लोसिव प्लेयर्स, स्पेशली अफगानिस्तान से ऊपर चले गए. अफगानिस्तान इस वक्त है प्लस 1.28 के ऊपर है और इंडिया प्लस 1.62 के ऊपर आ गया है. और तो यहाँ पे क्या है कि सबकी नज़रें अब 7 तारीख को जो मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, और सबको ये है कि क्या होगा. लेकिन जो ज़्यादा लगने में आ रहे हैं लोग, काफ़ी लोग आज फ़ोन किए, सब घबरा रहे हैं क्या होगा. दोस्तों आप आगे देखेंगे पाकिस्तान के लेजेंड बात कर रहे हैं, भारत का जो आज मैच हुआ है और उसके बाद जो सिनेरियो बनेंगे आपको भी पता है. भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अफगानिस्तान को किसी भी हालत में जीतना है, भले वो मार्जिन कितना भी ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब हमें अफगानिस्तान की जीत चाहिए किसी भी तरीके से. आपको बता दूँ ये मैच है अबू धाबी में, जहाँ पर दोपहर को ये मैच है. आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, 119 रन बने थे, उसमें वो मैच फंस गया था और ऑस्ट्रेलिया ने जैसे तैसे वो मैच जीता था. वैसे ही कुछ कंडीशन होने वाली है क्योंकि अबू धाबी में, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मैं वो मैच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो दोपहर को मैच है और ये मैच भी दोपहर को होने वाला है. उम्मीद करते हैं मुजीब किसी तरीके से वापस आ जाए. और न्यूजीलैंड की टीम अगर आप देखें इस मैच में, अगर हालत उनकी पतली थी, 16 ओवर में लगभग 96 रन थे, उसके बाद जो आखिरी में नामीबिया की बॉलिंग बहुत वीक है, लास्ट में उन्होंने चोक किया. अफगानिस्तान इतना मतलब चोक नहीं करेगा क्योंकि उनकी बॉलिंग उतनी वीक नहीं है. हालांकि उनके में भी 3 ही बॉलर हैं स्टार बॉलर, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ उनकी बॉलिंग में भी कुछ खास दिखता नहीं है. अबू धाबी में वही मैच हुआ था जहां इंडिया के खिलाफ वो काफ़ी मतलब उन्होंने रन दिए थे, लेकिन वो शाम को था, ये दोपहर को होगा. तो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो कि ऊपर से न्यूजीलैंड के विकेट गिरे और 150 या 140 के ऊपर रन ना बने और फिर अफगानिस्तान चेस कर ले. अफगानिस्तान बैटिंग करे तो कुछ अच्छा टारगेट दे जिसे डिफेंड करे. तो उम्मीद तो यही रहेगी हमारे लिए क्योंकि आपको भी पता है इंडिया के क्रिकेट फैंस का काफ़ी मतलब ये हफ्ता बहुत परेशानी से गुजरा जिस तरीके से हम देख रहे थे अपनी टीम को. लेकिन अब कुछ होप आई है और अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो के अंतिम भाग में और भी करते हैं कुछ बात. फॉर सडन प्रॉबली इज नॉट द राइट आई मीन वर्ड. पता था कि फेवरेट्स हैं. दो पहले बुरे मैच हुए इनके अच्छी टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, एंड वी ऑलवेज न्यू इट्स अ क्लास, इट्स अ वेरी डेंजरस साइड, द मोस्ट एक्सपीरियंस टी20 साइड, एक्सप्लोसिव प्लेयर्स स्पेशली एज फार एज हिटिंग कंसर्न, एंड ऑफकोर्स वेरिएशन इन देयर बोलिंग एंड द वे दे स्टार्टेड ऑफ, दे लुक्ड इन कंट्रोल. बुमराह से नया बॉल कराया, उसकी रीज़न भी यही थी कि नए गेंद से विकटें लें और उसने विकटें भी ली. शामी आई एम ग्लैड इज केम बैक इन टू इज निक, गॉट 3 for एंड देन जडेजा. बट स्कॉटलैंड की टीम को बिल्कुल आइडिया नहीं था, ऊपर से 3-4 विकटें गुजरी हैं, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. और इंडिया ने आके जिस तरीके से बैटिंग की है यार, यू नो 43 गेंदों पे करते तो रन रेट दोनों से ज़्यादा होता. उन्होंने कहा नहीं, हमने उससे भी कम गेंदों पे करना है. व्हाई डिडंट दे वसीम भाई, व्हाई डिडंट दे प्ले लाइक दिस अगेंस्ट अस और अगेंस्ट न्यूजीलैंड? आई सपोज अगेंस्ट अस इट वॉज जस्ट द फर्स्ट कपल ऑफ ओवर्स when Shaheen Shah got those 2 wickets, yeah. I think उसके बाद इनका comeback हो नहीं पाया, shell में चले गए. और उसके बाद न्यूजीलैंड मैच के साथ भी अर्ली विकटें गंवाई इन्होंने. बट अगर ये क्वालिफाई करते हैं, बट इट्स अ बिग इफ, अफगानिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच है, रन रेट जितना मर्जी अच्छा हो जाए, बट दे इंडिया कैन डू, दे कैन डू देयर जॉब, एटलीस्ट प्ले विन देयर गेम्स with big margin and see what happens. Sure. And Afghanistan न्यूजीलैंड का मैच का अपना है, बट इनका रन रेट दोनों से अब ज्यादा है. अच्छा आज मिस्बा बुमराह से अटैक करवाया है विराट कोहली ने, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, एंड दिस इज ओनली द फिफ्थ टाइम इन हिज करियर इन टी20 इंटरनेशनल दैट ही इज ओपन द बॉलिंग फॉर इंडिया. दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर विराट, वांटेड टू गो एग्रेसिव, गो इन विद द यॉर्कर स्ट्रेट अवे. जाहिर है जी उनकी कोशिश थी कि टॉस जीत के अगर हमने बॉलिंग की है तो जितनी जल्दी हम इनको आउट कर सकते हैं उतनी जल्दी आउट करें और अपने जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएं और विकटें लेने जाएं. तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट एंड आई थिंक जॉब वंडरफुली डन बाय द बॉलर्स. या वकार बुमराह बोल्ड मेड इन ओवर टुडे एज वेल, यू नो, एंड दिस इज फैंटास्टिक बिकॉज This is the 8th time that he's bowled a maiden over in a T20 game. Very accurate bowler. The most by any bowler, if I'm not mistaken. I think, right, I'm going to have to double check on that stat. But 8th time, I know, that's for sure. That 8th time, maiden over karaya, T20 eyes ke andar karna bada mushkil kaam hota hai. I think India mistake kar rahi thi usko na naya gend dekar pehle.
क्योंकि नए गेंद पे जो उसका स्लोअर वन है वो तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ा जाता. एंड इफ यू आर इन अ मोड के जहाँ पे आपने अर्ली रन्स करने हैं और उसको यू नो यू वांट टू प्ले योर बिग स्ट्रोक्स, आज भी देखा कि ना सिर्फ उसने विकेट्स ली बल्कि जो उसके स्लोअर वंस थे वो क्या हो रहा था कि वो पिच में रुक रहे थे, वो जो भी पुश मारते थे वॉज गोइंग इन द एयर. मैं कहता हूँ उसने कितनी विकेट्स लिए, 3 विकेट्स लिए 2 विकेट्स लिए जी. ही कुड हैव टेकन इवन मोर देन दैट बिकॉज ही वॉज सुपर्ब टुडे. आई थिंक दिस स्ट्रेटजी वर्क्स फॉर देम. एंड आई थिंक ऑल्सो उन्होंने जो आज 3 स्पिनर और 3 पेसर जो जबकि तीसरे पेसर की जरूरत नहीं पड़ी उनको, आई थिंक ये इनकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है. इससे बैलेंस भी बेहतर होता है, आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बैट्समैन भी आ जाता है, आपके बॉलर पूरे हो जाते हैं, बल्कि बॉलर पूरे क्या, दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप. लुक एट दैट, बॉल गए. I have a question while you are discussing. जी जी जरूर जरूर. Vicky, my question is जो average बंदे का young upcoming budding fast bowlers का question है जी, कि इतने छोटे run up से और ये end में आके 2-4 कदम में sprint मारता है, how come he generates so much pace and accuracy? Exactly the way you did it. Yeah, probably. But my his run up is even shorter than mine. His run up is slower than you. Yeah, slower than I mine. I would say that. Yeah. You are still running in. He's like literally hoping. Yeah. He's more like a javelin thrower. अच्छा, तो सारी जो उसका pace आती है वो उससे आती है. Generate जो करता है power is basically from this and of course he's got this hyper extension arm also which whips through. वो मारते ना ऐसे, हालांकि वो उसको कंपेयर कर रहे हैं वो उसको अफगानी बॉलर के साथ. विकी भाई, क्यों अगर आप हमें डेमोंस्ट्रेट ना करते, क्योंकि आप बता रहे थे कि जो नवीन है वो और बुमराह में फर्क ये है कि एक की हिप जल्दी खुल जाती है और एक की बाद में. गुड आइडिया. मेरा ख्याल है शलवार कमीज में मेरी तरह हिप मेरी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा. प्लास्टिक है ना, कोई मसला नहीं है. प्लीज नहीं, मैं इधर बैठ के समझा. नहीं नहीं, पता नहीं चलेगा सर, हिप में पता चलेगी ना. मेरी हिप इस टाइम रोटेट हो ही नहीं रही, आपने खाने का बताया नहीं. ये सुबह तो ठीक ठाक रोटेट हो रही थी, सुबह ठीक होती है शाम भी. बेसिकली हाइपर एक्सटेंशन जो है ना, that is something. See the hip on the left hand side. Yes. Yeah. That is opened way too early. अभी दोनों ने ball release नहीं की, उसकी hip बंद है. इसकी hip बुमराह की hip late खुलती है. जी. And then his hyper extension. Yeah, go on. नहीं विकी भाई, एक और चीज़, अगर आप ये थोड़ा सा पीछे जाएं दोबारा एक्शन में, तो आपने बताया कि टांग थोड़ी सी खुलती है, बुमराह की टांग पीछे है. जो इनके फ्रंट आर्म है, बुमराह का जो फ्रंट आर्म है वो उसके जो फ्रंट लेग है बिल्कुल उसके आगे आता है, उसका बाहर निकल जाता है. इज दैट इज ऑल्सो डिफरेंस के हिप का खुल जाना, उसका जल्दी ड्रॉप भी हो रहा है. ये देखे ना, ये देखे, यहाँ पे अगर आप नवीन का देखे तो नवीन का बाहर है, बुमराह का बिल्कुल आगे और इट्स मोर ऑन द इनर साइड. इज दैट द अदर रीजन? आई थिंक द मेजर रीजन इज द हिप, क्योंकि जब पिवट पॉइंट है, हाँ पिवट करता है ना हिप से, तो दैट्स वेयर यू जनरेट द पावर. पावर कहाँ से आती है बेसिकली फास्ट बॉलर की? अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट फ्रॉम वसीम भाई, वसीम भाई इज पावर never came from the hip, he was more shoulder. Yeah. It was all whip, it was all whip and the shoulder. Right. But in his case, he generates the pace from here and then his hyperextension. दूसरे बॉलर की hyperextension उतनी नहीं है जितनी बुमराह की है. Right. बुमराह is more like a javelin, as I said, ना? Yeah. Javelin throw, आप ये सोचे कि आप वो भी कोई मेरा मतलब 12 कदम से 14 कदम से वो भी इसी तरह आते हैं आराम आराम से, but they throw javelin far away. बिकॉज उनका भी यही हिप रोटेशन जो है ना, दैट बिकम्स वेरी वेरी क्विकली. ये देखा वो जल्दी कितना खुला हुआ है, उसका फ्रंट आर्म जल्दी गिर रहा है. अच्छा, अभी आपने हाइपर एक्सटेंशन की बात की है, हमारे शुएब भाई थे जी, उनका भी हाइपर एक्सटेंशन की वजह से उनको ज्यादा एज था पेस का, नेचुरली क्विक. क्योंकि यहाँ पे भी आप जो आर्म की एक्सटेंशन बता रहे हैं, क्योंकि बुमराह इज ऑल्सो समबडी हू बॉल्स एंड इज 145 प्लस. शुएब जब दिखाता था हमें भी, तो वो जब बाजू अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा सीधा है, जब वो करता था तो उसका बाजू पूरा ये ऊपर आ जाता था, ये नीचे चला जाता था. उसकी कोई चीज भी सीधी नहीं है वैसे शुएब की. उसका ये प्रॉब्ली आई डोंट नो, उसके वैसे भी उसके जो बाकी भी लिम्स हैं थोड़े से दे आर लाइक फ्लेक्सिबल, आई शुडंट बी सेइंग दैट वर्ड बट दैट इज एक्चुअली वर्ड, एबनॉर्मल है. यू नो आपके ये जॉइंट सेम टाइम एबनॉर्मल होते हैं, तो ये आपकी यू नो मेरे से तो इससे ज्यादा होता है नहीं ना बॉलिंग कर करके भी, बट हिज दिस पोर्शन कम्स अप हियर एंड दोस गो फ्लेक्सेस बैकवर्ड्स ऑल द वे अप, गोज अप ऑल द वे, दैट बिकम्स लाइक अ विप विप. या
सो ही यूज टू विप थ्रू एंड यू नो पेस तो वैसे ही थी और उसका एक्शन इतना स्ट्रांग था क्रीज पे इतना तगड़ा वो लैंड करता था प्लस विद दैट विप बॉल घूम जाता था. विकी भाई जब आप फास्ट बॉलिंग करते थे क्योंकि हमने देखा आप ज्यादातर साइड ऑन थे जी प्रोबेबली ये थोड़ा सा फ्रंट ऑन बॉलर्स फ्रंट ऑन है. वसीम भाई का आपने बताया कि वो क्योंकि शोल्डर से बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते थे सो द हिप रोटेशन जिसकी हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं उसमें जब आप तेज बॉलिंग करते थे तो दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द हिप्स या आप अपनी बहुत ज्यादा क्योंकि आपका एक्शन थोड़ा सा इस तरह साइड पे जाके गैदर थी नहीं इसकी भी पिविट होती थी वकार की इसलिए साइडवेज जाता था ज्यादा ताकि जब साइडवेज जाओगे तो आप जब नीचे लाओगे तो आपकी हिप ऐसे घूमेगी और उसके साथ आपका बाजू आएगा और फिर आउटस्विंग होगी. आउटस्विंग होगी दैट्स द वर्ड. यू कैन एक्सप्लेन आल्सो बिकॉज़ आई रिमेंबर जब आप बॉल अंदर लेके आते थे तो मैं ज्यादा साइड क्लोज इट मोर बिकॉज़ यू वांट टू ब्रिंग दैट बॉल बैक. ज्यादा लाना कोशिश करता था कि ऑफ स्टंप के बाहर से है तो मैं कोशिश करता मेरा फ्रंट आर्म पीछे जाए ताकि जितना ये पीछे जाएगा मेरी ये पिविट जल्दी पिविट के साथ फिर शोल्डर भी अंदर आता है ऐसे करके. मैं मेरा बस कर दिया इसको पहले कि आगा बैठा था ना लग गए अपनी एक्शन की बात बताएं छोड़े हमारे एक्शन की बात. नहीं मैं इस वजह से मेरा भी तो है कुछ नहीं मेरा मेरी सिर्फ जो मतलब स्लिंगी हूं मैं. आई एम मोर ऑफ अ स्लिंगी ऑफ काइंड ऑफ अ बॉलर ना तो मैं जो है वो जनरेट करता हूं पेस शोल्डर के साथ ज्यादा. स्लिंगी का मतलब होता है जैसे वो बॉल करता था मलिंगा टाइप पर मलिंगा का तो प्रॉपर उसकी भी जो रोटेशन है वो आप देखेंगे कि वो पहले यहां पे जाता है और उसके बाद ही फिनिश लाइक. मैं थोड़ा सा फ्रंट ऑन होके जो है वो आई गो लाइक दैट. ओके ये थोड़ी बात नहीं मानता वरना ये कि इसको थोड़ा सा जंप की जरूरत है. द टाइम ही जंप्स अ लिटिल बिट हायर he gives himself more time at the crease he bowls lot quicker than ye banda seekh sakta hai at certain after 10 saal international cricket khel ke certain age you mean sir up playing say after 5-10 years of cricket your action is pakka ho jata hai aapka. I mean it is hard work. I mean agar if you want to play international cricket then you have to be at the top. Dekho imran dale steyn was there dale steyn end tak he was just you know top draw and then he left cricket. Yeah so agar jab aapne khelni hai then you can't just say okay main itna kar leta hu utna nahi karta hu. So for him I feel once he jumps more because of when isko shuru se dekha khelte hue once he have more time at the crease and he can gather it and he is a lot quicker. Yeah absolutely. Okay folks with that we're going to take a break here in the pavilion. When we come back there's more to talk about. Keep watching A Sports and 10 Sports. Milte hain is waqfe ke baad. Welcome back to the pavilion. Now Fakhri Alam aap dekh rahe hain Sports 10 Sports and with me in the pavilion Pakistani legends and superstars Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq and Wahab Riaz. Aur dosto baghair kisi taakhir ke aapko lekar chalte hain Man of the Match brought to you by Pakistan Cables. All right Waqar, now the situation is ke India ka net run rate jo hai wo Afghanistan se bhi behtar ho gaya hai aur ab wo point table mein teesri position pe aakar baith gaye hain New Zealand ke baad aur अगला मैच उनका जो है वो नामीबिया से और फाइनली जो सबसे बड़ा मैच है जिस पे वो काउंट कर रहे हैं वो है अफगानिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड और वो है शारजा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अबू धाबी दैट सूट न्यूजीलैंड दैट सूट्स न्यूजीलैंड ट्रू बट दिस इज द मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था 119 रन का टारगेट था सो इट्स अ लो स्कोरिंग पिच दैट दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ होप ऑन दैट मैच. बिल्कुल इंडिया मोहताज है इस टाइम अफगानिस्तान का तो मैच जीतेंगे तो कुछ बात बनेगी वरना मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती है अफगानिस्तान से तो जो अगला मैच होगा वो कौन खेलेगा बिकॉज देयर विल बी अ डेड रबर बेसिकली क्योंकि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी right. तो प्रॉबेबली आज जीत गए हैं दे प्लेड रियली वेल दे वर फार बेटर टीम इंडिया लेकिन ये है कि दे बी सिटिंग नेक्स्ट टू द टेलीविजन फॉर द नेक्स्ट गेम and hoping and praying so, kg wo match how difficult it is a question to all three of you will be for Afghanistan skipper to motivate his team the way they lost the game against India a couple of days ago. Hard because unko bhi ye nazar aa raha hai ki agar hum jeet bhi gaye to hamare liye chances kam hai ab to nahi hai
मतलब न्यूजीलैंड से वो 70 रन से जीतेंगे तब बात बनेगी ना, बराबर लेकर आए दोबारा एक दफा सामने, एक दफा फिर पॉइंट टेबल पे नजर डाल लेते हैं इस सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है सोशल मीडिया पर। वहाब इज वेरी गुड विद नंबर्स, गो ऑन वहाब, दिस इज योर्स ब्रदर। रन रेट इतना फर्क नहीं है अभी, अगर वो जीतते हैं तो दे हैव द चांस, आई थिंक दे हैव अ चांस। द थिंग इज उनका जो मैच है, इंडिया का जो आखिरी मैच है वो देखें ना किसके साथ है, गो ऑन। देखिए अगर ऑब्वियसली अगर न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करना है तो उनको अफगानिस्तान से स्ट्रेट अवे मैच जीतना है एंड इंडिया विल बी आउट ऑफ द इक्वेशन। ओके, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से मैच जीत जाती है तो ऑल द एडवांटेज गोज टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज नाउ सेट। अगर आप उसका रन रेट देखें 1.62 वो न्यूजीलैंड। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं स्पेशली बात कर रहे थे, वो फोकस कर रहे थे कि भारत ने ये फॉर्म पहले और दूसरे मैच में क्यों नहीं दिखाया। ये बात तो है दोस्तों, मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने थोड़ा सा शेड्यूल गलत मतलब सेट किया, जिसने भी शेड्यूल सेट किया वो गलत है। इंडिया का पहले मतलब एक ऐसा मैच होना चाहिए था, छोटी टीम से हो जाता तो उससे फ़ायदा ये होता कि हमारे प्लेयर जो रिदम में आते, तो भारत पहला ही मैच पाकिस्तान से खेल रहा है तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए हो गई, और उसके बाद आपको भी पता है हुआ क्या। लेकिन अभी भी कुछ मतलब अगर 7 तारीख को देखें तो मेरे हिसाब से तो ये व्यूअरशिप के मामले में डेफिनेटली ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसके बाद शायद सबसे बड़ा मैच होगा अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का। और अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में काफ़ी फेमस है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है, और आप देखते होंगे अफगानिस्तान की टीम अगर किसी और टीम से खेलती है तो अफगानिस्तान की टीम को काफ़ी सपोर्ट मिलता है इंडिया से और इंडिया से मिलेगा, क्योंकि इंडिया उनका होम ग्राउंड नोएडा में है, और मतलब बहुत सारे प्लेयर वो इन्वॉल्व रहते हैं आईपीएल में, और आईपीएल को सक्सेसफुल बनाने में उनका भी हाथ है, क्योंकि उनके जो राशिद खान है काफ़ी अच्छा योगदान रहता है, मुजीब ने भी अच्छा खेला, और नबी को उतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन शायद इस साल से नबी दूसरी टीम में जाए और उनको अच्छा खासा मौका मिले। उम्मीद करते हैं कि ये मैच अफगानिस्तान जीतेगा और वहाँ से कोई नया स्टार निकलेगा, और वो आईपीएल के ऑक्शन आने वाले हैं उसमें उसकी मतलब प्राइज मनी ऊपर जाएगी और अफगानिस्तान क्रिकेट को हेल्प मिलेगा। हालांकि मुझे पता है कि अफगानिस्तान में 3-4 बॉलर हैं जो इस बार चुने नहीं गए हैं, जो दुनिया भर की लीग खेलते हैं, लेकिन कितने स्पिनर खिलाएंगे। आपको भी पता है कि 3 स्पिनर इनफ हैं, और मुजीब, नबी और राशिद, यही 3 भारत के लिए क्रूशियल हो सकते हैं। और बैटिंग में मैं जजई और शहजाद को देख रहा हूँ, शहजाद इस बार क्लिक नहीं कर रहे हैं, जजई भी क्लिक नहीं कर रहे हैं। जजई मतलब इन ग्राउंड पे पीएसएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, पेशा पर जर्मनी के लिए खेलते हैं, और जजई के पास है वो एक, अगर वो चल गए, अगर वो 40 गेंद खेल गए तो ये मान के चलिए कि वो 40 गेंद में 60 से 70 रन बना डालते हैं, तो ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।